हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। वालेकुम सलाम मैम। सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। गुड। सो बेटा, प्रोबेबली आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पेशेंट सेफ्टी, दैट विल बी आई थिंक लेक्चर नंबर 11, दैट वुड बी योर लास्ट लेक्चर। ओके, सो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम बेटा इन एनी ऑफ द लेक्चर, वी कैन रिवाइज दोज लेक्चर्स। तो आप लोग जो है वो अब अपने लेक्चर्स जो है वो रिवाइज करें। जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको पहले समझ नहीं आए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं उनकी। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स, यू कैन इन्फॉर्म मी कि मैम ये वाले टॉपिक्स हैं जो आप हमें दोबारा बता दें या जिसका कंटेंट हमारे पास अच्छा नहीं है। तो आई विल वर्क ऑन दोज टॉपिक्स एंड आई विल गिव यू लेक्चर्स अगेन। ओके, सो इट्स अप टू यू। आप लोग बता दें कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ आए, वो हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो टुडे इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ पेशेंट सेफ्टी, एंड प्रोबेबली बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो लेक्चर 11 होगा पेशेंट सेफ्टी का, और वो लास्ट लेक्चर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपकी रिविजन होगी लेक्चर्स की, और क्योंकि आपने इसके मेरिट्स भी नहीं दिए पेशेंट सेफ्टी के, तो आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी जिसमें मैं आप लोगों को टास्क दिया करूँगी कि आप ये लेक्चर प्रिपेयर करें, और उसमें से कुछ मैं असाइनमेंट आपको दिया करूँगी। ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली उसके मार्क्स तो नहीं होंगे आपके, लेकिन वो आपकी प्रिपरेशन के लिए होगा। ओके, और जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए वो आप मुझे बता सकते हैं कि मिस ये टॉपिक्स हमें समझ नहीं आए, ये आप हमें दोबारा पढ़ा दें, तो रिविजन क्लासेस में बेटा वो वाले टॉपिक्स रिवाइज कर लिए जाएंगे। बाकी बेटा आप लोगों की फाइनल असेसमेंट ही होती है पेशेंट सेफ्टी की, तो इंशाल्लाह वही होगी आपकी, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। और आपकी तरफ से कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है आपकी तरफ से, तो वो आप मुझे बता दें। माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ओके, यू आर गेटिंग मी? यस मैम। सो बेटा, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था, इन द प्रीवियस लेक्चर बेटा वी हैव डिस्कस्ड कि हम इन्फेक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी रिलेटेड टू इन्फेक्शंस, हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू हम इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं या उसकी प्रेवलेंस को कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेटा हम पूरी तरह ओवरकम तो नहीं कर सकते इन्फेक्शन कंट्रोल पे, बट हम उसकी प्रेवलेंस या इंसिडेंस जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में इन्फेक्शंस का, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेकिंग सेफ्टी मेजर्स। अपनी तरफ से हम कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं कि हम इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकें। इन द सेम वे बेटा हमने उससे पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम कैसे चेंजेस इम्प्रूवमेंट की तरफ, क्वालिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं, कौन से ऐसे चेंजेस लेके आ सकते हैं जिससे हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को या हेल्थ सेटअप में क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। इन द सेम वे हमने ये देखा था कि हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं टू पेशेंट्स और केयर गिवर्स, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके, इज़ एवरी थिंग क्लियर टू यू रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स? यस मैम। ओके, नाउ बेटा इन दिस लेक्चर ऑब्वियसली बेटा यू पीपल नो कि पेशेंट सेफ्टी सब्जेक्ट ऐसा आपका, क्योंकि इसमें कोई आपकी रिकमेंडेड बुक नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये बाकी इंस्टीट्यूशंस में शायद पेशेंट सेफ्टी जो है वो नहीं पढ़ाया जाता, ये यहाँ पे जो है वो पेशेंट सेफ्टी पढ़ाया जाता है। और इसकी स्लाइड्स बेटा, क्योंकि ये आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसकी स्लाइड्स जो हैं वो कॉन्टेंट यही अवेलेबल था, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर प्रेजेंटेशन में, हर स्लाइड में, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया जाए या कुछ डिटेल जो है वो ज़्यादा डाली जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है बच्चों, सो आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट। फिर भी अगर आप लोगों को कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों को समझ नहीं आ रही द वे आई एम टीचिंग यू, तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है बेटा, यू आर मोर देन वेलकम। सो बेटा इन द सेम वे इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हियर कि हम ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट बेटा आपका सर्जिकल पेशेंट्स के साथ या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके,
पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में हम ड्यूरिंग सर्जरी बेटा पेशेंट सेफ्टी के लिहाज से हम इन्वेसिव प्रोसीजर्स वो होती हैं जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जिनमें हम कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे होती हैं एंड पेशेंट इज अंडरगोइंग सर्जरी थ्रू दैट प्रोसीजर. तो बेटा ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर हम कौन से ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं या कौन से ऐसे मेजर्स को फॉलो कर सकती हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी या उस सर्जिकल सेटअप से या सर्जिकल इन्वायरमेंट से पेशेंट को जो एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं या पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस इन्वायरमेंट से उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं पेशेंट सेफ्टी में और उन सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज. ठीक है बेटा. अब बेटा वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, सर्जिकल इन्वायरमेंट में और ये सारे प्रोसीजर में आइदर प्री ऑपरेटिव पेशेंट है आइदर पेरी ऑपरेटिव है. प्री ऑपरेटिव मीन्स बिफोर द सर्जरी, जब आप पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है. पेरी ऑपरेटिव मीन्स ड्यूरिंग द सर्जरी इन द ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेटिंग रूम में जो आप प्रोसीजर कर रही हैं या जो इन्वायरमेंट है या जो रूल्स आपने फॉलो करनी है वो होंगे पेरी ऑपरेटिव ड्यूरिंग द सर्जरी. ओके. एंड पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स राइट आफ्टर द सर्जरी जो आपने मेजर्स लेने हैं. तो बेटा वो आइदर प्री ऑपरेटिव हों पेरी ऑपरेटिव हों या पोस्ट ऑपरेटिव हों, जो कॉम्प्लिकेशंस या जो एडवर्स इवेंट्स सर्जरी की वजह से आते हैं, प्रोसीजर्स की वजह से आते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर्स की वजह से आते हैं, उनको हम कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. ओके. कि जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. ऑब्वियसली और भी इन्फेक्शंस आ सकती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस आ सकते हैं रिलेटेड टू स्किन इन्फेक्शंस, यूटीआई, ये सारे इन्फेक्शंस हेल्थ केयर सेटअप में बहुत प्रेवलेंट है. लेकिन बेटा विद रिस्पेक्ट टू सर्जरी जो इन्फेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन है वो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. ठीक है. तो बेसिकली जब हम इन्वेसिव प्रोसीजर्स में पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को ही मेजरली डिस्कस कर रहे होते हैं. एंड व्हाट डज दैट मीन सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. सर्जिकल साइट कि जिस साइट पे सर्जरी हुई है, जिस एरिया पे सर्जरी हुई है, उस एरिया में किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से कोई इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको हम कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. ठीक है बेटा. और जब हम पेशेंट सेफ्टी के विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं इन इन्वेसिव प्रोसीजर्स या सर्जिकल प्रोसीजर्स में तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग द प्रेवलेंस और इंसिडेंस ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस ही कर रहे होते हैं. ठीक है. क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान होता है बेटा वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं. कि सर्जरी जिस साइट पे हुई है, जिस एरिया में हुई है, उसमें आइदर हाइजीन की वजह से, आइदर किसी इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट की वजह से, आइदर टेम्परेचर की वजह से, आइदर हेल्थ केयर वर्कर की इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, आइदर ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई ऐसा जो आपसे गलती हो गई है उसकी वजह से, जो भी इन्फेक्शन उस एरिया पे होता है बेटा उसको हम कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. सो इज एवरीथिंग क्लियर रिगार्डिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस? तो बेटा आज हम डिस्कस ही सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के हवाले से देखेंगे कि हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. और सर्जरी में पेशेंट सेफ्टी का क्या रोल है? ओके. इन द सेम वे बेटा, क्योंकि आपकी फील्ड एक फिजियोथेरेपिस्ट की, आपको पता है कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सिर्फ पोस्ट सर्जिकल नहीं होता. ठीक है. मेनी ऑफ यू पीपल वर विल बी थिंकिंग कि हमारा जो रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का वो पोस्ट सर्जरी होता होगा, बाद में सर्जरी के बाद ही पेशेंट को हमारी जरूरत पड़ती होगी. नो, आपका रोल प्री सर्जिकल भी है बिफोर पेशेंट. इन बेटा एडवांस कंट्रीज में क्या होता है कि जब पेशेंट ओटी में जा रहा होता है ना, ओटी में जाने से पहले ही फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर दी जाती है पेशेंट को. वो प्रॉपर अपने सेशंस करवाती हैं प्री सर्जरी सर्जिकली, और फिर बेटा ड्यूरिंग इन ऑपरेशन थिएटर भी फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट. ठीक है. और ड्यूरिंग सर्जरी भी फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है. और पोस्ट सर्जिकल तो आपको पता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इमोबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, इमोबिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, और पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, पोस्ट सर्जिकली बेटा रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू पीपल नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस? इज इट क्लियर टू यू बेटा? कोई है इसके बारे में कि नहीं? यू एवर विजिट सर्जिकल वार्ड्स? नो मैम.
तो बेटा सर्जिकल वार्ड्स में जब पेशेंट को लेके जाया जाता है, सर्जरी पढ़ी है आप लोगों ने? नो मैम, अभी नहीं पढ़ी, और अभी मैम रोटेशंस भी नहीं हो रही। ओके, आपकी सर्जरी का सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में होता है, लास्ट सेमेस्टर में होता है? आई थिंक मैम लास्ट में होता है। ओके, सो बेटा उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट सर्जिकल पेशेंट के साथ हमारा कितना रोल है, हमारा वहाँ पे कितना रोल है। तो बेटा उससे पहले जिस एरिया की पेशेंट की फिजियो सर्जरी होनी होती है उससे, उस एरिया की नहीं लेकिन उससे एडजस्टेंट एरियाज की, के मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जाता है। तो प्री सर्जिकली ये रोल होता है फिजियोथेरेपी का कि वो एरियाज विद रिस्पेक्ट टू दैट एरिया जहाँ पे सर्जरी होनी है उनकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम किया जाए, ताकि जब उसकी सर्जरी हो उस एरिया की तो बाकी मसल्स इतने स्ट्रेंथेंड हों, इतनी इंड्योरेंस हो उनकी कि वो आपके उस एरिया की जो मूवमेंट्स हैं या उस एरिया की जो वेट बेरिंग है उसको भी कंपनसेट कर सकें दूसरे एरियाज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फोर आर्म की सर्जरी होनी है तो बेटा आपके शोल्डर मसल्स को इतना स्ट्रेंथेंड किया जाता है कि वो कंपनसेटरी फंक्शन जो उन मसल्स ने करना था आपके, वो आपके शोल्डर के मसल्स कर सकें। ठीक है, या आपकी अगर लोअर लिम की सर्जरी हो रही है तो आपके ट्रंक के मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स को पहले से इतना स्ट्रेंथेंड और इतना इंड्योरेंस उनकी बिल्ड की जाती है कि पोस्ट सर्जिकली जब पेशेंट बेड रेस्ट पे होगा तो उसके वो रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो फटीग में मत जाएं, ठीक है, वो डिसयूज एट्रोफी की तरफ मत जाएं। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है उसको पहले से बिल्ड किया जाता है। इन द सेम वे बेटा जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट की जो पोजीशनिंग होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि उसके शोल्डर को कितनी डिग्री एबडक्शन पे रखना है, उसकी लेग को कितनी डिग्री एबडक्शन पे रखना है, बेड सोर्स से अवॉइड करने के लिए उसकी नी के नीचे कुशन रखना है कि नहीं रखना, इसी तरह उसके हिप के जितनी बोनी प्रोमिनेंसेज हैं बेटा, जितने बोनी ज्वाइंट्स हैं आपके, वहाँ पे नीचे टॉवल रखा जाता है, कोई कम्फर्ट सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि बेड सोर्स डिवेलप ना हो। ठीक है, तो बेड सोर्स को वाइड करने के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल पोजीशनिंग का है। ठीक है, इन द सेम वे बेटा पोस्ट सर्जिकली क्या किया जाता है कि जिस एरिया की सर्जरी हुई है उसकी आरओएम को बिल्ड किया जाता है। ठीक है, उसकी रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की गेन करने की कोशिश की जाती है। उसको गेन करने का तरीका ये होता है बेटा कि पहले पेशेंट की ऑब्वियसली हम ग्रेड फाइव की स्ट्रेंथ तो नहीं ले आएंगे फॉरन से पेशेंट की उस एरिया की जहाँ पर सर्जरी हुई है, पहले हम ग्रेड वन से शुरू करेंगे, पेशेंट को ग्रेड वन की तरफ लेके आएंगे या पेशेंट को पैसिव मूवमेंट की तरफ लेके आएंगे, फिर पेशेंट को एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट की तरफ लेके आएंगे। जब हम देखेंगे अब पेशेंट को इतने दिन गुजर गए आफ्टर सर्जरी और उसके नेल्स और स्क्रूज वगैरह या स्टिचेस भी रिमूव हो गए, तो फिर पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट की तरफ लेके आएंगे। और अगर हमें लगेगा कि ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के बाद बेड रेस्ट की वजह से पेशेंट के मसल्स की स्ट्रेंथ कम हुई है, तो फिर हम उसकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस फाइव ग्रेड तक आए। ठीक है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ पहले थी उतनी वो वापस रीगेन करें। इन द सेम वे बेटा पोस्ट सर्जिकली आप उसको उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, उसकी चेस्ट एक्सपेंशन, ऑब्वियसली आपके रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, उनकी इंड्योरेंस होगी तो आपके चेस्ट एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इन द सेम वे हम ये देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो पेशेंट को सर्जरी के बाद, बेड सोर्स डिवेलप ना हो, एट्रोफी डिवेलप ना हो, फ्रोजन शोल्डर डिवेलप ना हो, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल थेरेपी, दिस इज नॉट कंसर्न्ड विद पेशेंट सेफ्टी। बेटा दिस वाज ऑल कि आप पेशेंट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या रोल है। अब बेटा इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पेशेंट सेफ्टी के रिस्पेक्टिव आपके क्या रूल्स हैं, क्या एथिक्स हैं और क्या वैल्यूज हैं जो आप फॉलो करते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? यस मैम। एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग? Okay, so the learning objective here is beta. The objective of this topic is to understand the main causes of adverse events. So, आपने यहाँ पे ये देखना है कि during surgical procedures, in invasive procedures में कौन से adverse events, कौन सी complication patient face कर सकता है, patient को कौन से adverse events face करने पड़ सकते हैं, कौन सी complications face करनी पड़ सकती हैं surgical procedures की वजह से, और फिर इन adverse events को कैसे हम reduce कर सकते हैं, overcome कर सकते हैं, इनकी incidence कम कैसे कर सकते हैं हम, कौन से ऐसे मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सा राइट प्रोसीजर हम राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ठीक है बेटा, सो इसमें हम एडवर्स इवेंट्स रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे। नॉलेज रिक्वायरमेंट हियर इज बेटा द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स।
कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं सर्जिकल और इन्वेसिव प्रोसीजर्स के साथ. ओके, देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इस इन प्रोसीजर्स को और इन एडवर्स इवेंट्स को कंट्रोल कर सकें. ठीक है बेटा, तो दो ही चीज़ें हैं, एक आपने देखने टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स हैं और फिर आपने देखने कि हमारी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं टू कंट्रोल सच एडवर्स इवेंट्स. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉलो अ वेरीफाई, ऑब्वियसली बेटा कि क्या आपने प्रैक्टिकली क्या अप्लाई करना है इस टॉपिक से, आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप उस वेरीफिकेशन प्रोसेस को, उन गाइडलाइंस को, उन मेयर्स को, उन प्रिकॉशंस को कैसे प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे ताकि आप उन एडवर्स इवेंट्स को कंट्रोल कर सकें. अगर गलत प्रोसीजर हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, उसका प्रोटोकॉल गलत है, तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. प्री ऑपरेटिव आप कौन से मेयर्स ले सकते हैं, पेरी ऑपरेटिव आप कौन से मेयर्स ले सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव आप कौन से मेयर्स ले सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिस ऑपरेटिंग रूम टेक्निक्स, बेटा जब ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेटिंग रूम की क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, वहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, आपने क्या क्या पहना हो, स्क्रब्स पहने हो, मास्क पहना हो, हेड कवर्स पहने हो, फुट कवर पहने हो, इन द सेम वे टेम्परेचर कितना होना चाहिए ऑपरेटिंग रूम का, इन द सेम वे ऑपरेटिंग रूम में कितना इन्वायरमेंट में कितने लोग जो हैं वो हो सकते हैं, कितनी ट्रैफिक हो सकती है और कितना डोर ओपनिंग का रेशो कितना होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ऑल दो बेटा ये कैलकुलेटेड चीज़ें यहाँ पे तो नहीं फॉलो की जाती, लेकिन क्या प्रोटोकॉल है, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे. इन द सेम वे बेटा कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके थ्रू हम रिस्क और एरर्स को कम कर सकते हैं. ब्रीफिंग्स, डी ब्रीफिंग्स, टाइम आउट, स्टेटिंग कंसर्न्स, क्या ब्रीफिंग पहले करनी चाहिए, फिर क्या डी ब्रीफिंग करनी चाहिए, क्या हमारे मेजर कंसर्न्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इन्वेसिव प्रोसीजर्स, वो हम डिस्कस करेंगे. पार्टिसिपेट इन एन एजुकेशनल प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग सर्जिकल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, बेटा फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आइदर इन इन्वेसिव प्रोसीजर्स, इन सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो एडवर्स इवेंट्स पेशेंट को पेशेंट रिसीव करते हैं या कैरी करते हैं इन सर्जिकल प्रोसीजर्स में, क्या उन सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस की वजह से या एडवर्स इवेंट्स की वजह से मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होता है पेशेंट का, आर दोस एडवर्स इवेंट्स सच डेंजरस फॉर पेशेंट के वो डेथ या मोर्टेलिटी की तरफ लीड करती हैं. ठीक है, फिर अगर करती हैं, अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पेशेंट्स में, तो हम उस मोर्टेलिटी को और मॉर्बिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे. ओके, सो the main types of adverse events associated with invasive procedure in surgical care, beta sabse important beta poor infection control methods, ki aapne jo infection control karne ke liye jo methods hain unko sahi se follow nahi kar rahe to uski wajah se adverse events ki prevalence increase hoti hai. In the same way beta inadequate patient management, ki patient ko jo management hai patient ki wo inadequate hai. Inadequate kaise ho sakti hai, ki management overload ki wajah se. ठीक है, कि अगर आपको पता है कि आपके ऑपरेशन के जो पेशेंट्स की लिस्ट है वो इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स ही होंगे इस मंथ में या इस टाइम ड्यूरेशन में, तो बेटा उतने ही पेशेंट्स को आपको डील करना चाहिए. अगर आप ओवरलोड कर देते हैं अपने सर्जिकल जो पेशेंट्स हैं जिन्हें सर्जिकल प्रोसीजर जिन्होंने अंडरगो करना है, अगर आप उनकी लिस्ट इंक्रीज कर देते हैं, तो आप अपना मैनेजमेंट जो वर्कलोड है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. वंस आप अपना मैनेजमेंट वर्कलोड जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, पेशेंट वर्कलोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ केयर ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली वो डिटोरिएट करेगी. ठीक है, वो डिक्रीज होगी. अब वर्क जो आपका पेशेंट वर्कलोड है, पेशेंट लोड है या वर्कलोड है मैनेजमेंट की तरफ से, वो इंक्रीज हुआ, तो क्वालिटी ऑफ केयर अ हेल्थ केयर पर्सन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज गिविंग टू द पेशेंट वो डिटोरिएट होगा. ऑब्वियसली कम क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी टू इंडिविजुअल पेशेंट. ठीक है, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है बेटा के पेशेंट की सर्जरी के लिए पेशेंट्स को इतनी डेट्स दे दी जाती हैं फॉर द सेम डे, इतने सारे पेशेंट्स को डेट दे दी जाती है सर्जरी के लिए. और जब पेशेंट सर्जरी के लिए आता है तो पेशेंट को सर्जरी वहाँ पे क्योंकि ओवरलोड है, ठीक है, मैनेजमेंट ओवरलोड है, तो पेशेंट बेचारा वापस दोबारा घर जाता है. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फॉलो किया जाता है, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए कि इन एडुकेट पेशेंट मैनेजमेंट को कम अवॉइड किया जाए, तो हम इस तरह के एडवर्स इवेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. इन द सेम वे बेटा फेलियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो प्रोसीजर कर रहा है, ठीक है, आइदर वो जो फिजिशियन है, सर्जन है, या फिर स्टाफ नर्स है, या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है बेटा,
उसकी उसकी कोई फेलियर है, उसका उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई एडवर्स इवेंट अकर हुआ है, तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए इफेक्टिवली. सेमिनार्स कंडक्ट करवाने चाहिए, पहले ब्रीफिंग करनी चाहिए, डी ब्रीफिंग की जाए, फीडबैक लिया जाए पेशेंट का, फैमिलीज का फीडबैक लिया जाए, तो इस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो बेटा आपने देखा कि जो एडवर्स इवेंट्स अकर हुए विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर, विद रिस्पेक्ट टू सर्जरी, उनमें तीन ही बातें थी. एक, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, ठीक है. दूसरा, जो आप मेथड फॉलो कर रहे थे वो ठीक नहीं था. तीसरा, जो मेथड फॉलो कर रहा है बंदा, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, वो इनएडिक्वेट स्किल्स के साथ है, उसकी वो इतना स्किल्ड नहीं है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से. तो बेटा थ्री रीजंस हैं, इनकी वजह से जो भी एडवर्स इवेंट या कॉम्प्लिकेशन अकर होगी वो जो है वो एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद इन्वेसिव प्रोसीजर या सर्जिकल केयर होंगे. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स जो एसोसिएटेड होते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर या सर्जिकल केयर के साथ. अब बेटा वेरिफिकेशन प्रोसेस, कैसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इन प्रोसीजर्स को और इस सर्जिकल केयर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इसके लिए जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें दो पॉइंट्स आते हैं बेटा. क्या गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उन गाइडलाइंस को अपने सर्जिकल सेटअप में. ओके बेटा, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इज इट क्लियर टू यू? आपको पता है कि पेशेंट को जब लेके जाया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है, फिर स्किन इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है, फेशियाज रिमूव किए जाते हैं और फिर मसल्स को जो है वो अपार्ट मूव किया जाता है और फिर एक्सपोज किया जाता है उस रीजन को जहाँ पे आपने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है. सो एनेस्थीसिया वाले पॉइंट में आपने क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, क्या गाइडलाइंस हैं. सेकंड स्टेप्स, जब आपने स्किन इंसिजन करना है तो उससे पहले या ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर आपने क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है. देन बेटा जब सर्जरी हो गई है और आप पेशेंट ने ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेटिंग रूम अब लीव करना है तो उससे पहले पेशेंट को क्या प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करना है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया बेटा क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं कि हैज द पेशेंट कंफर्म्ड हिज और आइडेंटिटी. अब हमारे सेटअप्स में ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन बाहर ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि पेशेंट से पहले प्रॉपरली उसकी डिटेल, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी, उसका जो प्रोसीजर है और उससे वो ये सारी बातें उससे डिस्कस की जाती हैं. इवन कि जो प्रोसीजर पेशेंट के साथ आप अंडरगो करने जा रहे हैं या जो पेशेंट प्रोसीजर जो है वो पेशेंट के लिए आपने डिसाइड किया है वो पहले उसके साथ डिस्कस किया जाता है, पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ. प्रोसीजर डिस्कस करने के बाद उसको उसकी उस प्रोसीजर की एडवांटेजेस और कॉम्प्लिकेशंस भी बताई जाती हैं कि इस प्रोसीजर की वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे कॉन्सेंट लिया जाता है पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से कि इज ही और शी सेटिस्फाइड, इज रेडी फॉर द प्रोसीजर, ठीक है. सो तो प्रॉपरली आपने कन्फर्म करना है पेशेंट की आइडेंटिटी, उसकी जो बेटा स्किन साइट है जहाँ पे आपने बॉडी एरिया जहाँ पे आपने सर्जरी करनी है उस एरिया को जो है वो कंफर्म किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, इन द सेम वे उसको प्रोसीजर बताया जाता है सारा और उससे कॉन्सेंट लिया जाता है. ओके, फर्स्ट स्टेप इज दिस. इन द सेम वे आपने देखना है जहाँ पे आपने सर्जरी करनी है उस एरिया को मार्क किया जाता है, ठीक है, इज द साइट मार्क, देन इज द एनेस्थीसिया मशीन एंड मेडिकेशंस चेक कम्प्लीटली. जो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा ऑपरेटिंग रूम को पहले बेटा जो है एक दफ़ा देखा जाता है प्रॉपरली कि आइदर उसमें जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया है. फर्स्ट केस से पहले डैम डस्टिंग होती है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करेंगे कि प्रॉपरली उसको क्लीन किया गया है. फिर अगर एक केस हो गया है और अब नेक्स्ट केस होने वाला है उससे पहले प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर डिसइंफेक्टिंग एजेंट के साथ वहाँ पे क्लीनिंग हुई है प्रॉपरली या नहीं हुई, तो बेटा उस रूम को देखा जाता है, मेडिकेशन को चेक किया जाता है, एनेस्थीसिया मशीन को चेक किया जाता है. देन बेटा जो वाइटल्स हैं पेशेंट के, वाइटल्स में आपको पता है कौन कौन से वाइटल्स हैं बेटा आपके? ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट. यस, और कौन सा मिस किया बेटा? रेस्पिरेटरी रेट.
रेस्पिरेटरी रेट, ओके ओके, और टेम्परेचर भी इसमें आता है, ठीक है। तो बेटा ये जो आपके वाइटल्स हैं, इनको इन वाइटल्स की जो रिकॉर्ड वाइटल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं कि आइदर आपके वाइटल्स स्टेबल हैं, जब तक पेशेंट के वाइटल्स और लैब्स रिपोर्ट स्टेबल नहीं होती पेशेंट को सर्जरी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये तो वाइटल्स है ना आपके, इससे पहले आपके लैब टेस्ट भी होते हैं, प्रॉपर ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो, अगर कार्डिक सर्जरी है तो ECG और ये सारी चीज़ें आपकी की जाती हैं और चेक किया जाता है कि आइदर आपके लैब टेस्टिंग जो है वो नॉर्मल आ रही है, BSL ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ये वाइटल्स और लैब टेस्टिंग नॉर्मल आए, स्टेबल हो पेशेंट, तो उसको लेके जाया जाता है सर्जरी के लिए, ठीक है। इवन एट द लास्ट मोमेंट अगर पेशेंट के वाइटल स्टेबल नहीं आ रहे तो सर्जरी को कैंसिल कर दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। इन द सेम वे पेशेंट से पूछा जाता है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, सीजनल एलर्जी जैसे पेशेंट को होती है, तो वो जो फॉरेन बॉडीज या फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है उसके अगेंस्ट, ठीक है, एलर्जिक तो नहीं है, तो पेशेंट से ये हिस्ट्री ली जाती है। पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक किया जाता है कि आइदर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टेबल है, इंटैक्ट है, उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक की जाती है। एयरवे आपका जो है वो चेक किया जाता है कि डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग तो नहीं है पेशेंट की, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो, एयरवे या ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो, तो उसके रिस्पेक्टिव पेशेंट्स को इक्विपमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ब्रीदिंग रेट है या एयरवे फंक्शनिंग है वो डिटोरिएट ना कर जाए ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। तो उसकी अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं या पेशेंट इसमें जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो पेशेंट को साथ इसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, एयरवे सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इन द सेम वे बेटा जो ब्लड लॉस है वो 500 ml से ज़्यादा ना हो, तो इसके अकॉर्डिंगली हम उसको एज एन ऑल्टरनेटिव वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं चीज़ें। तो बेटा ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इनकी हिस्ट्री और आइदर पेशेंट में ये सस्पेक्टिव हैं या नहीं है ये पहले ही देखा जाता है बिफोर द प्रोसीजर, ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो ही एनेस्थीसिया दिया जाएगा पेशेंट को। So this was the first step, के first step में आप यहाँ protocol follow कर सकते हैं। बेटा only one student is participating in the class। क्या आपको मेरी समझ नहीं आ रही या फिर आप लोग actively participate नहीं कर रहे हैं? What's the problem? Only Ahmad is going to attend the class। Be attentive in class, beta, because I am not getting के either आपको मेरी समझ नहीं आ रही है, आप लोग खुद attentive नहीं है, ठीक है? Okay, then beta next step पे skin incision दिया जाता है आपको। अब beta ये भी चीज़ें पहले discuss की जाती हैं और पहले proper board बैठता है और ये decide किया जाता है कि अगर इस patient की surgery करनी है तो incision कौन सा देना है, ठीक है। आप जब surgery पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि different types of surgical incisions होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स इंसीजन, मिड लाइन इंसीजन। तो हर प्रोसीजर में बेटा ऑल्दो अगर पेशेंट को पेस मेकर इंसीजन डालने या पेशेंट की कार्डिक सर्जरी है, ठीक है, तो पेशेंट का एक डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि इसको क्या इंसीजन देना है, ठीक है। अब इसमें देखें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, जो मसल्स पेशेंट के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड होते हैं ना, कोशिश की जाती है कि उस मसल में इंसीजन दिया जाए पेशेंट को, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कार्डिक पेशेंट को या किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स इंसीजन देते हैं और हम देखते हैं कि उसका मसल इतना स्ट्रेंथन नहीं है, वीक मसल है, तो ये सारी असेसमेंट पहले की जाती है, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव कोई और मसल देखते हैं और इंसीजन वहाँ पे देते हैं। तो बेटा इंसीजन डिसाइड करने के लिए भी हम पहले से पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। So confirm all team members have introduced themselves, my name and role। बेटा ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट के साथ इंटरेक्टिव हो तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ओके। इन द सेम वे आप पूरी टीम को जो पार्टिसिपेट कर रही है सर्जिकल प्रोसीजर में, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका इंट्रोडक्शन दें पेशेंट को। कन्फर्म द पेशेंट्स नेम,
पेशेंट नेम कंफर्म करें, प्रोसीजर और जहाँ पे उसको इंसीजन देना है उसकी फाइल पे लिखा होगा कि इसको पेशेंट को असेस किया गया था, इसको यहाँ पे इंसीजन देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले कंफर्म करें कि आइदर यही पेशेंट आया आपके सर्जिकल रूम में, ऑपरेटिंग रूम में, ठीक है। ओके, देन हिज एंटीबायोटिक प्रोफाइल। अब बेटा जो पेशेंट, पहले मैंने आपको बताया था पेशेंट से ये पूछने कि एलर्जिक तो नहीं है, ठीक है, ससेप्टेबल टू एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है पेशेंट को। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनको सर्जरी से पहले ही बच्चे प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दी जाती है। व्हाट डज प्रोफाइलेक्टिक मींस? प्रोफाइलेक्टिक मींस दैट इज प्रिवेंशन। आप ट्रीटमेंट या क्योर नहीं कर रहे, उन एंटीबायोटिक्स को आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। तो पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को पहले से ही एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं क्योंकि हमें पता होता है कि पेशेंट ज्यादा प्रोन है टू इन्फेक्शन। ओके, क्लियर? सो विद इन लास्ट 60 मिनट्स आप पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, क्लियर? यस मैम। तो ये आपने कंफर्म करना होता है कि आपने आइदर दी है पेशेंट को या नहीं दी। इन द सेम वे बेटा, एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स टू सर्जन, सर्जन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द क्रिटिकल और नॉन रूटीन स्टेप्स। सर्जन को पहले से अवेयर हो कि क्या प्रोसीजर उसने फॉलो करने हैं, इस प्रोसीजर में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उसने पहले किसी सर्जरी में नहीं किए, एंड ही इज गोइंग टू बी विजिलेंट रिगार्डिंग दो स्टेप्स, ठीक है। तो उसको पहले बताना चाहिए हाउ लॉन्ग विल द केस टेक। एक सर्जन को पता होना चाहिए कि इस प्रोसीजर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्या एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस पेशेंट का, अगर ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस के चांसेस हैं तो सर्जन को पता हो कि उसने कैसे केयरफुल रहने ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ये सर्जन की ड्यूटीज हैं, ठीक है। इन द सेम वे एनेस्थेटिस्ट जो है, जिसने एनेस्थीजिया देने पेशेंट को, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है। आर देयर एनी पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न्स, पेशेंट के कोई अपने स्पेसिफिक कंसर्न्स तो नहीं है, तो पेशेंट से पूछा जाता है, ठीक है। इन द सेम वे नर्सिंग टीम के क्या प्रोटोकॉल है। स्टेरिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ नर्स, ठीक है बेटा। जो इक्विपमेंट्स वो यूज कर रही है वो स्टेरिलाइज हों, पेशेंट को उससे कोई कंसर्न ना हो, पेशेंट को बॉदर ना करें वो चीज़ें, ये उसने मेक श्योर करना होता है। इन द सेम वे बेटा, आपने ये देखना होता है कि जो वाइटल्स डिस्प्ले होते हैं और ग्राफिकली डिस्प्ले होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, वो प्रॉपरली डिस्प्लेड हैं या नहीं है, ठीक है। आपको वाइटल्स जो हैं उसके, अगर कार्डिक सर्जरी है तो ECG, दूसरी सर्जरीज में भी अब तो ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि सर्जरी, ECG और ये पल्स रेट और ये सारा कुछ जो है वो डिस्प्ले किया जाता है ताकि पता चले कि पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी डिटोरिएट तो नहीं कर रहे, उसके स्टेबल वाइटल्स, ठीक है, स्टेबल है या नहीं है। सो दे बेटा, दिस वॉज द सेकेंड स्टेप कि आप सेकेंड स्टेप में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं। अब बेटा पेशेंट की सर्जरी हो गई, अब पेशेंट ने जब पोस्ट सर्जिकली लीव करना है ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में शिफ्ट होना है या घर जाना है, तो उससे पहले क्या प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। नर्स ने वर्बली कंफर्म करना है पेशेंट को कि ये प्रोसीजर का नेम था, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज़ किए गए थे, ये प्रोसीजर प्रॉपरली कंप्लीट हुआ, ये कंफर्म करना है, ठीक है, नर्स ने। देन स्पेसिमेन जो है उसको लेबल करना है, अगर कोई आपने बायोप्सी के लिए कोई भी स्पेसिमेन लिए या कोई भी आपने टेस्टिंग करने के लिए जो स्पेसिमेन लिया तो उसको लेबल करना है, ठीक है। वेदर देयर आर एनी अदर इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस ड्यूरिंग सर्जरी, कोई इक्विपमेंट प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी की जाती हैं, वर्बली कंफर्म भी की जाती हैं बिफोर डिस्चार्जिंग अ पेशेंट। इन द सेम वे बेटा, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट एंड नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट आर द की कंसर्न्स फॉर रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। उन्होंने देखना है कि पेशेंट को जब पेशेंट सर्जिकल वार्ड से, सर्जिकल ऑपरेटिंग रूम से जाएगा तो पेशेंट के मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एवरी पेशेंट, ये वेरी करती हैं। जब आप पेशेंट को असेस करेंगे उसके रिस्पेक्टिव आप उसको मैनेजमेंट प्लान देंगे ऑन डिस्चार्ज। ओके, क्लियर है बेटा, इज एवरीथिंग क्लियर रिगार्डिंग दीज थ्री स्टेप्स, क्या आपने कैसे हर स्टेप पे प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और गाइडलाइंस को फॉलो। ओके बेटा, व्हाट आर दोस टेक्निक्स जो आप प्रैक्टिस करते हैं इन ऑपरेटिंग रूम जो रिड्यूस करती हैं रिस्क को और एडवर्स इवेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज बेटा, पार्टिसिपेट इन टीम ब्रीफिंग्स और डीब्रीफिंग्स। ऑब्वियसली बेटा, जिसने प्रोसीजर करना है, जो प्रोसीजर की डिटेल्स हैं वो सारी टीम मेंबर के साथ ब्रीफ करेगा तो हर कोई अपना जो इनपुट है वो एफिशिएंटली दे सकेगा, ठीक है। तो पहले आप ब्रीफ करें कि ये प्रोसीजर है, इसमें ये जो है इसका प्रोटोकॉल है, इतना टाइम लगेगा, यहाँ से इंसीजन देना है और ये सब कुछ, उसको पहले से ब्रीफ करना चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे, अगर किसी को समझ नहीं आई तो आपको डीब्रीफिंग्स के लिए भी
टाइम रखना चाहिए. इन द सेम वे बेटा सेकंड स्टेप है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली शेयर करें, नॉट ओनली विद योर हेल्थ केयर वर्कर्स और योर कलीग्स ओनली बट ऑल्सो विद द पेशेंट एंड द पेशेंट्स फैमिली एज वेल. ठीक है, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ या पुलिस के साथ शेयर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेम वे पेशेंट के साथ शेयर करना और पेशेंट फैमिली के साथ शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेम वे पेशेंट को पेशेंट से आस्किंग क्वेश्चंस पूछे जाएं पेशेंट से और हेल्थ केयर वर्कर से, कुलीग से, कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. असर्टिव वन सेल्फ अप्रोप्रिएटली, हर हेल्थ केयर वर्कर को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए, पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि उसको बात या प्रोसीजर ठीक से समझ आया है, प्रॉपर गाइडलाइंस उनको समझ आई हैं या नहीं आई. ठीक है, स्टेटिंग और शेयरिंग इंटेंशंस, आपके जो प्लान्स हैं, जो आपके प्रोसीजर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली बताए जाएं, एक्सप्लेन किए जाएं और शेयर किए जाएं. टीचिंग अवेयरनेस बेटा, ओके. एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजिंग वर्कलोड. वर्कलोड को मैनेज किया जाए ताकि आपके प्रोसीजर का रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव रहे. ओके बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर्जिकल साइट पे सर्जिकल इन्फेक्शन ऐसे भी होती हैं जिसकी वजह से क्या मोर्टेलिटी या डेथ की तरफ भी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें. तो बेटा ऑब्वियसली इसीलिए इनके लिए जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, कोशिश की जाती है ये मीटिंग स्ट्रक्चर्ड हो. यू नो स्ट्रक्चर्ड मीटिंग या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है बेटा? एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड. हैव यू एवर रेड? नो बेटा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये होता है या स्ट्रक्चर्ड मीटिंग ये होती है जिसमें जो बंदा है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं या जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं उसको प्रॉपरली आपने ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं करते आप, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं कि अगर आप पेशेंट से ये पूछ रहे हैं आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. अगर आप पेशेंट से ये पूछ रहे हैं हाँ ये तकलीफ तुम्हें कब तक रहती है, कितनी देर तक रहती है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट के साथ जो मीटिंग हो, पेशेंट के साथ आप या हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ जो मीटिंग करें वो स्ट्रक्चर्ड हो, जिसमें उन्हें प्रॉपर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो ओपनली अपनी बात डिस्कस करें. क्लियर? फिर आपने चेक करने इज देयर एन एम्फेसिस ऑन एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग, उसको अवेयरनेस को आपने प्रॉपरली प्रॉपर अवेयरनेस पे काम करना है. इज प्रिवेंशन द गोल ऑफ द डिस्कशन, आपने देखना है कि प्रिवेंशन के लिए जैसे आपने एंटीबायोटिक्स दी थी तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करें. आर दीज मीटिंग्स कंसिडर्ड अ कोर एक्टिविटी? ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं तो क्या ये इतनी इंपॉर्टेंस के साथ कंसिडर की जा रही हैं बाय द पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स? इज एवरी वन इन्वॉल्व, सारे लोग इन्वॉल्व हैं इन मीटिंग्स में या नहीं इन्वॉल्व? आर जूनियर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स इंकरेज टू अटेंड? ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाए, जूनियर्स को इंकरेज किया जाए टू अटेंड दोज मीटिंग्स. हाउ आर डेथ हैंडल्ड? सर्जिकल इन्फेक्शन की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मॉर्बिडिटी रेट है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है फिर बेटा इस सारी डिस्कशन की एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाए. ओके, सो समरी टिल हियर इज बेटा कि आपको गाइडलाइंस की वैल्यू आपको बताया कि कौन सी गाइडलाइंस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर गाइडलाइंस. ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता होगी तो आप उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, वेरिफिकेशन स्टेप्स आपने देखने हैं कि उनको कैसे फॉलो करने और वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एडवर्स इवेंट्स को. एवरीडे टेक्निक्स में आप कैसे उनमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं? बाई इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. आप जितना कम्युनिकेशन गैप कम करेंगे उतने आप मिनिमाइज करेंगे एरर्स को. क्लियर बेटा? Is everything clear? जी मैम. समझ आ रही है बच्चों? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. बेटा ड्यूरिंग लेक्चर तो आपका रिस्पांस कोई नहीं आ रहा होता, पता नहीं अब आपको समझ आती है कि नहीं आती. ओके, अब बेटा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर आप होपफुली अपने
लास्ट सेमेस्टर्स में रोटेशंस पे जाएंगे, तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट या बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे जब सर्जिकल वार्ड्स में जाएंगे? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि आपने प्रैक्टिकली अपने लेवल पे क्या करना है. सो हाउ टू मिनिमाइज सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस बेटा, स्क्रबिंग हैंड्स. ठीक है, जब आप अपने हाथों को धोते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने हाथ धो लेने हैं और जो है वो आपने कहा कि आपने अपना वॉशअप कर लिया. ठीक है, ऐसे नहीं होता बेटा. सर्जिकल वार्ड में जाने से पहले प्रॉपरली आप जब वॉशअप कर रहे होते हैं तो उस वॉशअप का मतलब ये होता है कि आपने टैप को हाथ नहीं लगाना. ठीक है, मोस्टली जगह पे अब ये किया जाता है कि जैसे कि म्यू और डिफरेंट गवर्नमेंट सेटअप्स में जो वाइट सेटअप्स हैं वहाँ पे उन्होंने उस तरह के स्क्रबिंग एरियाज बनाए हुए हैं कि जहाँ पे हर कोई अलाउ नहीं होता. ठीक है, तो जब आप जाती हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे आपने वॉश करना है कि अप टू एल्बो, आपने एल्बो तक वॉशअप करना है. वेब स्पेसेस, हाथों की वेब स्पेसेस, एंड देन हाथों को वॉश करने के बाद आपने अपने एल्बो तक अपना वॉशअप करना है जैसे आप वजू में करते हैं. सो ये आपका प्रॉपर वॉशअप होता है. इन द सेम वे ये आपकी स्क्रबिंग हो गई और हैंड वॉशअप हो गया. उसके बाद आपने स्क्रब्स पहनने होते हैं बेटा. ठीक है, स्क्रब्स पहनने होते हैं, हेड कवर्स आप पहनती हैं, आप फुट कवर्स पहनती हैं, आप मास्क पहनती हैं. ठीक है, अब बेटा हेड कवर पहनना, बहुत से लोग इसको वो करते हैं कि कुछ लोग हेड कवर तो पहन लेते हैं लेकिन उनके बाल जो हैं वो खुले होते हैं या उनके जो हेयर. आपका मकसद स्क्रबिंग का या हेड कवर्स का, कवरिंग का मतलब ये है कि आपने अपने ईयर्स को, स्कैल्प को, आईज को, हेयर्स को आपने अपने बिल्कुल कवर करना है. आपके हेयर बिल्कुल कवर होने चाहिए. ठीक है, सो हेड कवर कुछ लोग पहन तो लेते हैं, कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन उनके बाल जो हैं खुले होते हैं और बाल जो हैं बाहर निकल रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर आपके सारे हेयर जो हैं वो कवर्ड हो. ठीक है, इन द सेम वे आपका स्कैल्प पूरा कवर्ड हो, आपके ईयर्स प्रॉपरली कवर्ड हो, आपका हेड कवर आपके ईयर्स तक होना चाहिए. ठीक है, इन द सेम वे आपने मास्क पहना हो, आपके जो हैंड कवर्स हैं वो आपने पहने हो, ग्लव्स पहने हो, इन द सेम वे फुट कवर्स आपने पहने हो. ठीक है बेटा, और प्रॉपर पूरा स्क्रब पहना हो आपने. दिस इज द प्रोटोकॉल. इन द सेम वे ऑफ बेटा आप ऑल दो एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप जब सर्जिकल वार्ड में जाते हैं ना पेशेंट की फिजियोथेरेपी करने, तो आप प्रॉपर ये सब कुछ पहन के जाते हैं. ठीक है, इन द सेम वे आपने अगर कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है या वॉच वगैरह पहनी होती है तो आप वो बाहर ही उतार के जाते हैं. इस तरह के अपनी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, इवन फ़ोन भी आप अपना बाहर रख के जाते हैं ताकि बेटा, क्योंकि जो आपका जो सर्जिकल वार्ड है जहाँ पे सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनमें उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है और वो बहुत प्रोन होती हैं टू फॉरन इन्फेक्शन और फॉरन बॉडीज़ के साथ, तो आपने इसलिए सब केयर करनी होती है. फिर बेटा ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जिकल वार्ड्स में आप नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी तो नहीं है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है ऑपरेशन थिएटर्स में भी और सर्जिकल वार्ड्स में भी. इन द सेम वे बेटा साइट ऑफ द सर्जरी, जहाँ पे सर्जरी होनी है या सर्जरी हो चुकी है, उस एरिया की क्लीनिंग और उस एरिया की जो प्रॉपर केयर है, हाइजीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा प्रेवलेंस और ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के. ओके, इन द सेम वे बेटा अवॉइड एवरी मींस दैट कैन डिस्टर्ब सर्जिकल साइट इन्वायरमेंट, तो आपने वो हर चीज़ को अवॉइड करना है जिससे आप उस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं. बेटा जब ऑपरेटिंग रूम है उसकी जो डोर है वो क्लोज रखना चाहिए. बार बार डोर ओपन और क्लोज करने से आप वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको इंक्रीज करें. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बाहर से लोग आएंगे ऑपरेशन थिएटर में या बाहर से ट्रैफिक ज़्यादा आएगी अंदर ऑपरेशन थिएटर में, तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और दूसरे इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्जरी ये क्लोज डोर पॉलिसी अप्लाई की जाती है कि डोर को क्लोज रखा जाए ताकि मिनिमम लोग, जितने लोग वॉशअप हुए हुए हैं, जिन्होंने स्क्रब्स पहने हुए हैं, बाहर से कोई इन्फेक्शन कैरी नहीं करके लाए, सिर्फ वही लोग अलाउ हों ऑपरेटिंग रूम में. सो द लास्ट पॉइंट इज रिड्यूस ट्रैफिक ड्यूरिंग सर्जरी. देन बेटा बिफोर फर्स्ट केस आप उस एरिया को जहाँ पे ऑपरेटिंग रूम को क्लीन करें, डैम्प डस्टिंग का मतलब होता है वेट डस्टिंग. ठीक है, तो आप प्रॉपरली मॉइस्ट डस्टिंग करें वहाँ पे बिफोर फर्स्ट केस. इसी तरह अगर फर्स्ट केस हो गया, नेक्स्ट बंदे ने आना है सर्जरी के लिए, तो आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन और प्रॉपर क्लीनिंग करें. स्केजुअल एंड साइकिल क्लीनिंग, प्रॉपरली रिसाइकिलिंग करें, क्लीनिंग करें, दैट इज़ द थिंग. देन यूज़ ऑफ स्क्रब्स, स्क्रब्स यूज़ करें, डिस्पोजेबल शू एंड हेड
कवर्स यूज करें. जब आप बाहर निकले, एक दफा अंदर गए हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं पे आपने हेड कवर्स, शू कवर्स जो है वो डिस्पोज ऑफ करनी है, स्क्रब्स डिस्पोज ऑफ करनी है. ये नहीं कि आप आराम से बाहर आ गए हैं, बाहर से फिर घूम फिर के फिर आप अंदर चले गए हैं सर्जिकल वार्ड में, ठीक है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए. तो बेटा ये प्रोटोकॉल हैं, ये स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे जब आप रोटेशन के लिए जाएंगे सर्जिकल वार्ड्स में. क्लियर बेटा? यस मैम. So is it clear to you? ये प्रोटोकॉल फॉलो भी करना है, ये आपने प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है बच्चे. ओके, नाउ बेटा एक टर्म होती है A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. ठीक है, A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल इज जस्ट अ नेम गिवन. इसको ये नाम दिया गया है कि इसमें आप उन प्रॉब्लम्स को, उन इम्प्रूवमेंट्स को और उन चेंजेस को जो आप फॉलो कर रहे होते हैं या जो आप फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, उनको एक पेज पे लिखना. That is A3 problem solving tool. ठीक है, क्या आप एक साइज ऑफ पेपर, A3 नाम दिया गया विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द पेपर ऑन विच द थिंग्स आर रिपोर्टेड, या जिस पेज पे आप प्रेजेंट कर रही हैं सारी चीज़ें जो आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, उनको एक साइज ऑफ पेपर पे क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको नाम दे दिया गया है A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. अब बेटा उस टूल में आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, आपने लर्निंग प्रोसेस फॉलो करना है PDCA. P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट. सो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. तो आप सर्जिकल एडवर्स इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए PDCA मॉडल को फॉलो करती हैं, जिसमें आप कोई चीज़ प्लान करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना एक्टिवली, फिर चेक करना कि आइदर ये जो मैंने प्लान किया की थी चीज़ और अप्लाई की है, आइदर इससे फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर अगर उससे फ़ायदा हुआ है तो फिर उसको एक्ट करना इन फ्यूचर. दिस इज़ PDCA मॉडल. क्लियर बेटा? यस मैम. यस मैम. अच्छा, अब बेटा ये देखिए पेरी ऑपरेटिव. पेरी ऑपरेटिव मींस, व्हाट डज पेरी ऑपरेटिव मीन? ऑपरेशन से पहले. ऑपरेशन से पहले फिर वही गलती बेटा. नहीं नहीं, ऑपरेशन पेरी ऑपरेटिव मैम, पेरी है कि ऑपरेशन के दौरान, प्री है ऑपरेशन से पहले. यस, वेरी गुड. प्री मींस ऑपरेशन से पहले, पेरी मींस विद इन दैट टाइम. ठीक है, विद इन दैट ड्यूरेशन आप जो भी कर रहे हैं, और पोस्ट मींस आफ्टर. क्लियर बेटा? तो बेटा पेरी ऑपरेटिव सेटिंग्स इन हेल्थ केयर सिस्टम. अब बेटा प्री ऑपरेटिव, अब इसमें देखिए पहला प्री ऑपरेटिव है, देन ऑपरेटिव है, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव है. तो हम पेरी ऑपरेटिव, ये पिंक वाला पोर्शन है, ठीक है, मिडल वाला, उसको पहले डिस्कस करते हैं कि आपने एनेस्थीजिया सेफ्टी चेक्स की, कि आप पेशेंट को जब एनेस्थीजिया दिया तो उसके जो वाइटल्स थे उनमें क्या प्रॉब्लम आई, और पेशेंट डिटोरिएट तो नहीं किया, ठीक है, अनस्टेबल तो नहीं हुआ पेशेंट. देन फिर आपने जब ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में, वो चेक करना है. फिर आपने बेटा जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनको आइदर फॉलो किया है, नहीं किया फॉलो, वो सब आप चेक कर रहे होते हैं उस दौरान, ठीक है. इन द सेम वे आपने इक्विपमेंट्स को चेक करना है. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए जो प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है, यानी एंटीबायोटिक्स पहले से दी जाती हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, तो वो दी हैं कि नहीं दी, ठीक है. ज्योग्राफिकली डिस्प्ले हैं आपके वाइटल्स, ECG और ये सब चीज़ें, पल्स रेट और ये सब कुछ, ये आपका जो है वो डिस्प्ले है प्रॉपर या नहीं प्रॉपर डिस्प्ले, ठीक है. जो आपने स्पेसिमेन लिए पेशेंट का, अगर आपको रिक्वायर्ड है, वो आपने प्रॉपरली ले लिया कि नहीं लिया, ये सारी चीज़ें बेटा आप फॉलो करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी. तो ये ऑपरेटिव फेज हो गया. अब देखिए प्री ऑपरेटिव फेज क्या होगा. ऑपरेशन से पहले मैंने आपको बताया सारे टेस्ट करवाए जाते हैं पेशेंट के, कि आइदर पेशेंट फिट भी है फॉर द सर्जरी या नहीं सर्जरी के लिए फिट, ठीक है. तो उसमें रेडियोलॉजिकली जो टेस्ट हैं वो भी करवाए जाएंगे, लैब्स भी करवाई जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर लेवल, आपका BP और ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी चेक की जाती हैं, ठीक है. इसके अलावा बेटा रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन, इफ़ यस पेशेंट को, अगर पेशेंट को ज़रूरत है रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन की या रेडियोथेरेपी की, वो देखना होता है कि आइदर पेशेंट को बाद में ज़रूरत है इन चीज़ों की. इन द सेम वे इफ़ पोटाकैथ इंसर्शन हैज इमेज इंटेंसिफायर बीन ब्लॉक्ड. बेटा ये जो है ना पोटा कैथ, ये विद रिस्पेक्ट टू कैथ लैब होती है, और कैथ लैब क्या होता है, कैथ लैब होता है जहाँ पे आपकी ये एंजियोप्लास्टी होती है, ठीक है, एंजियोप्लास्टी और ये कैबेज वगैरह होता है, ठीक है, उसको आप कैथ लैब कहती हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू दैट है ये. इफ़ इम्प्लांट रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीस इज डिलीवर्ड, अगर पेशेंट को सर्जरी के बाद किसी प्रोस्थीसिस की ज़रूरत है, तो प्रोस्थीसिस होते हैं बेटा जो आपके बॉडी पार्ट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है.
अगर पेशेंट को इस तरह के प्रोसीसेस की जरूरत है तो वो डिलीवर हो गए हैं नहीं हुए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप प्री ऑपरेटिव देखते हैं। अब पोस्ट ऑपरेटिव आप क्या देखते हैं, आप रिकवरी यूनिट, रिकवरी यूनिट बेटा होता है पेशेंट जब ओटी से निकल के रिकवरी यूनिट में आता है, ठीक है, रिकवरी यूनिट में आप उस पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मलाइज हो गए हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग की जाती है जिसमें पल्स पीपी वगैरह देखा जाता है, स्पेसिमेन मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि आप पेशेंट का आउटपुट जो आ रहा है वो पूरा आ रहा है, ठीक है, आउटपुट मींस यूरिन वगैरह, तो वो उसका प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, अगर आपने ग्राफ्टिंग वगैरह की है ड्यूरिंग सर्जरी या फ्लैप लगाया है तो उसकी वायबिलिटी देखते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें बेटा चेस्ट एक्सरे करा के देखते हैं पेशेंट का, क्योंकि आपने इंसर्शन वगैरह दिए हैं, इंसीजन वगैरह दिए हैं, तो चेस्ट एक्सरे करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा, ये आपका था ऑपरेटिव सेटिंग्स में आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ड्रेस कोड और हाइजीन रिव्यू में बेटा, हेल्थ केयर वर्कर हो, पेशेंट हो या उसकी फैमिली हो, आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जिसमें ये होता है कि आप नेल्स देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो सर्जन है उसके नेल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके शॉर्ट क्लीन और नेचुरल नेल्स हों, आर्टिफिशियल नेल्स नहीं हों, आपने मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी या तो आपने रिमूव करनी है या अंडर स्क्रब रखनी है, यानी अगर आपने इयररिंग्स वगैरह पहने गर्ल्स में स्पेशली तो ये क्या रहता है कि हेड कवर पूरा आपने अपने हेड को स्कैल्प को कवर करना है जिसमें आपके सारे बाल अंदर कवर हों और आपके जो इवन आपने अगर ज्वेलरी वगैरह इयररिंग्स वगैरह पहने तो वो भी कवर्ड हो, आपने अपने ईयर्स को कवर करना होता है। क्लीनिंग क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को अगर आपने एक केस कर लिया दूसरा केस करने तो आप मेक श्योर कि आप क्लोथ्स को अपने क्लीन करें। सो बेटा इज एवरीथिंग क्लियर, लेट मी नो। यस मैम। यस मैम। सो बेटा समझ आइए आप लोगों को कि सर्जिकल प्रोसीजर्स में आपने क्या प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। यस मैम। यस मैम। तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एडवर्स इवेंट्स एसोसिएटेड विद इनवेसिव और सर्जिकल प्रोसीजर्स। ओके ओके मैम। सो आप प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह ये फॉलो कीजिएगा जब आप रोटेशंस में जाएं और दैट मस्ट बी फॉलोड, ठीक है, ये फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल वार्ड्स रोटेशंस में। ओके बेटा make sure you are all attentive for attendance. Yes, Abdul Manan, Abru Fatma, present, Ahmed Nadeem, Iman Latif, Aliha. Present ma'am. Amina Vahid. Present ma'am. Amna Bashir. Amna Asar. Amna Shakil. Present. Amna. Amna Rafiq. Present ma'am. Amna Yasin. Anam Fatma. Anushe. Present ma'am. Aksarshat.
Aksa Liaqat. Aksa Nazir. Present. Aksa Tabassum. Present, ma'am. Aksa Wazir. Ariba Javed. Ariz Arshad. Present, ma'am. Arisha Musharraf. Aruba Akram. Ma'am. Aruj Aziz. Aisha Binte Habib. Yes, ma'am. Aisha Hassan. Present, ma'am. Aisha Kaisal. Aisha Shehbaz. Aisha Hassan, present, ma'am. Okay, Aisha Kaisal. Aisha Shehbaz. Asqa Nadeem. Present, ma'am. Asqa Nadeem, present. Faika Zainab. Farhad. Farooq. Farooq Ahmed. Present, ma'am. Farooq Javed. No. Present, ma'am. Bita, aap Farooq Ahmed hain ya Farooq Javed hain? Ma'am, Farooq Javed. Okay, and Farooq Ahmed? Is he present? Farhad. Farwa Rizwan. Fatima Arshad. Ghazia Wasim. Present. Ma'am. Hadia. Hafiz Hasnain. Present, ma'am. Hafiz Junaid. Hafiza Anisa. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay. Halima Satya. Hamayal Tanveer. Present, ma'am. Hamad Haider. Yes, ma'am. Hamna Iftikhar. Hani Arif. Present, ma'am. Okay. Hanan Shaukat. Hibsa Munir. Present, ma'am. Hina Inam. Present, ma'am. Hira Binti Raza. Present, ma'am. Hudaybiyah. Ikra Jameel. Present. Ikra Qasim. Present, ma'am. Ikra Rahman. Present. Ikra Tabassum. Present. Irish Fatma. Iram Sabir. Kiran Shehzadi. Laiba Abbas. Laiba Abrar. Present, ma'am. Lareeb Asim. Maham. Present, ma'am. Mahira Nasir. Mahnoor Rehman. Mahnoor Umar. Mahzeb Kamran. Maliha Javed. Present, ma'am. Manahil Gul. Maryam Abbas. Present, ma'am. Maryam Nadeem. Present. Maryam Rashid. Present, ma'am. Maryam Salman. Present, ma'am. Momna Tariq. Mujiz Zafar. Muhammad Ahmed. Ma'am. Muhammad Amin. Present, ma'am. Muhammad Amir. Muhammad Ahmad. Present. Muhammad Ahmad, present, ma'am. Okay. Muhammad Ashan. Present, ma'am. Muhammad Bilal. Present, ma'am. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Ma'am, aapne mera naam nahi liya. Peter, what's your name? Kinza Jameel. Kinza, I think maine aapka naam liya. Nahi, ma'am, mera naam. बेट का आपका कोई ए पोर्टल पे इशू है ठीक है जी ठीक है मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट मैम मोहम्मद फैसल
मोहम्मद फैसल, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद उमेर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद वसीम, बेटा माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस मैम, यस मैम, ओके, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जुहेब, मोहम्मद जुनेर अख्तर, प्रेजेंट मैम, मुकशफ फातमा, प्रेजेंट मैम, मुनीबा बशीर, नतालिया, प्रेजेंट मैम, नेहा खावर, निमला अमीन, प्रेजेंट मैम, नेहा खावर, ओके, निमला अमीन, निमरा अहमद, निमरा अहमद, निमरा रजाक, प्रेजेंट मैम, नूर फातमा, नूर नवाज, नवीरा, राजिया नईम, राबिया जमील, प्रेजेंट मैम, रमशा फातमा, राना मोहम्मद मुईज, रिदा जहरा, प्रेजेंट मैम, रिजा खालिद, रिमशा 15 आईडी, रिमशा 47, रिमशा इजाज, प्रेजेंट मैम, रिमशा जावेद, प्रेजेंट मैम, रिमशा सनाउला, सादिया सैफ, प्रेजेंट मैम, सादिया सैफ प्रेजेंट, सॉरी, सैफुला, प्रेजेंट मैम, समनी जावेद, मैम आपने सिद्रा बोला, प्रेजेंट, बेटा एंड पे पूछिएगा, ठीक है, समनी जावेद, प्रेजेंट, समन जावेद, प्रेजेंट, समीना बाबर, प्रेजेंट, समरा जहांगीर, सना मुनीर, प्रेजेंट, सनीला गफार, प्रेजेंट मैम, सरोश, सीमा महबूब, शुएब अली, सिद्रा अब्बास, प्रेजेंट मैम, सिद्रा मुख्तार, सिकंदर, सुनीक अहमद, प्रेजेंट, ओके, सैयद ऐमन, सईदा ऐमन, सईदा शाइस्ता, प्रेजेंट मैम, तहमीना, प्रेजेंट मैम, तूबा नदीम, उमायमा गिलानी, प्रेजेंट, उमेर खान, अरफा शफी, प्रेजेंट मैम, उसामा अहमद, उजैर, प्रेजेंट मैम, वर्दा कासिम, जाहिद हुसैन, जिशान अली, उसामा अहमद प्रेजेंट है, उसामा अहमद, जी जी, उसामा अहमद प्रेजेंट है, उसामा रफीक के ए पोर्टल पे कोई इशू है, ठीक है, मैम आयशा शहबाज प्रेजेंट, जिशान अली, यस मैम, जुहेब तारिक, प्रेजेंट मैम, सुनेश बकार, प्रेजेंट मैम, सूफिया कलसूम, प्रेजेंट मैम, जुबैर अहमद, प्रेजेंट मैम, जी आप बताएं जिसकी रह गई है, मैम आयशा शहबाज, मैम राना मोहम्मद मोइस की हो गई, लेट मी चेक, जी हो गई है, मैम आमना,
मैम अफसल याकत बेटा बाकी सबकी नहीं बताएं बस लग गई है सबकी एनी अदर प्रॉब्लम बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में तो पूछें ओके नो प्रॉब्लम बेटा सब क्लियर है यस मैम ओके इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट द लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास देन बेटा आपकी रिवीजन क्लासेस मैनेज करूंगी मैं ठीक है आप लोग भी अपने टॉपिक्स लिख लीजिएगा जो आपको नहीं समझ आए तो इंशाल्लाह हम वो रिवाइज कर लेंगे ठीक है बच्चों और मैम असाइनमेंट के मार्क्स बेटा असाइनमेंट के कोई मार्क्स नहीं होंगे वो आपकी प्रिपरेशन के लिए ही होंगी ठीक है और वो मैं आपका एक टेस्ट लिया करूँगी ऑनलाइन आपकी क्लास में ठीक है मैं आपको टॉपिक दिया करूँगी या लेक्चर बताया करूँगी कि फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर है उस लेक्चर्स में से मैं आपसे क्वेश्चनिंग किया करूँगी और आप प्रिपेयर किया करेंगे ओके और जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत है वो आप मुझे बताएंगे तो वो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँगी ठीक है बच्चों क्लियर मैम ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे हमारे वाइवास भी स्टार्ट हो रहे हैं बेटा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा आई विल मैनेज ठीक है आपके साथ मैं कोऑपरेट करूंगी इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा ठीक है आई विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास रिगार्डिंग द टेस्ट और असाइनमेंट्स ठीक है ओके मैम ओके बेटा एनी अदर प्रॉब्लम ओके बच्चे टेक केयर अल्लाह हाफिज़